चम्मच इसको लीजिए। बढ़ती हुई चर्बी, कमर की चर्बी, मोटापा, हाथ पैर की चर्बी को पूरी तरह से पिघला देगा ये नुस्खा। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स ज्ञान इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी औषधि लेकर आई हूँ जिसका इस्तेमाल करने से आपकी बढ़ती हुई चर्बी मक्खन की तरह पिघल जाएगी। अगर कमर की चर्बी से परेशान है या फिर अगर आपको मोटापे की समस्या बहुत ज्यादा है, हाथ पैर गर्दन कहीं पर भी आपको चर्बी की समस्या है, तो आज मैं एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ जिसकी मदद से आप अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं और इस नुस्खे की मदद से आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छा हो जाएगा, साथ ही आपका शरीर चुस्त और दुरुस्त रहेगा। तो ये नुस्खा क्या है और कैसे बनेगा, ये जानने के लिए मेरी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस उपाय को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक बॉल ले और इसमें एक चम्मच डाल दें ये सौंफ, और उसके बाद दूसरा इंग्रेडिएंट आप उसके अंदर डालना है आधा चम्मच जीरा यानी क्यूमन सीड। दोस्तों जीरा मेटाबॉलिज्म को अच्छा बनाने में मदद करता है। वहीं इसके अंदर आपको ऐड करना है आधा चम्मच अजवाइन और फिर इसके अंदर आप ऐड कर दें थोड़ा सा सेंधा नमक। अब इन सभी चीजों को आपको पाउडर फॉर्म में बनाना है। आप चाहें तो इन तीनों चीजों को, सेंधा नमक को छोड़कर, आप इन सभी चीजों को थोड़ा सा रोस्ट भी कर सकते हैं। और आपको अब इन सभी चीजों को अच्छी तरह से पाउडर बना लेना है और ये जो पाउडर है ये कुछ इस तरह से बनकर के तैयार हो जाए। यहाँ पर एक ग्लास में हल्का गुनगुना पानी लीजिए और इस पानी के साथ ही आप ये चूर्ण खा लेंगे। दोस्तों ये देखिए चूर्ण इस तरह से बनकर के तैयार हो जाएगा। एक चम्मच सुबह खाली पेट आपको खानी है और गुनगुना पानी आप ऊपर से पी लें या फिर इस चूर्ण को पानी के साथ मिक्स करके भी पी सकते हैं, जैसा आपको सही लगे वैसे आप इसको पी सकते हैं। और इससे मोटापा, चर्बी बहुत आसानी से पिघलने लगेगी, साथ ही इससे आपके भूख अगर नहीं लगती तो वो भी अच्छे से खुलकर भूख लगेगी और ये आपके डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को भी दुरुस्त कर देगा। तो इस तरीके से आप अपने वजन और चर्बी को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। साथ ही साथ आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।